हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम लेकर इसमें बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ये मान लीजिए कि आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा, आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने या कहीं पर गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी करके ये वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाएगा कि अगर आपके पास दो डीमैट अकाउंट हो तो किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा कौन सा होगा, यहाँ तक कि डीमैट अकाउंट से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो एक एक करके हम समझेंगे पूरे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत ही क्यों होती, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत समझ में आ जाएगी इसकी तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हम डीमैट अकाउंट या हमारे लिए डीमैट अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो यही जान लें कि सेविंग अकाउंट होने के बावजूद आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है कि जो आप नॉर्मली अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक में, किसी बैंक में जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप अपना पैसा जमा करते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता है, बल्कि आप जो भी शेयर, ये शेयर कहाँ से मिलेगा, ये शेयर मार्केट से मिलेगा, जो भी आप शेयर या बॉन्ड, किसी भी रूप में हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको समझना होगा, वो इसमें डीमैट अकाउंट में जमा होता है। दरअसल डीमैट अकाउंट में शेयर के जमा रहने से आप इसकी खरीद और बिक्री तेज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि पहले कैसे होता था, वो मैनुअली होता था। 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो 30 साल पहले जब डीमैट अकाउंट नहीं होते थे तो शेयर लोगों के घर पहुंचते और इस काम में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर एक दिन के अंदर पहुंच जाता है। इतनी रफ्तार इसलिए आई है क्योंकि अब शेयर किसी कागज़ में लिखा सर्टिफिकेट नहीं होता है, बल्कि आपके खाते में सिर्फ इसकी संख्या जुड़ जाती है कि आपने कितने शेयर खरीदा और आपने कितने शेयर बेचा। जैसे आपके बैंक खाते में करेंसी नोट नहीं लिखा होता है बल्कि आपके पैसे का हिसाब चढ़ा होता है, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में शेयरों का हिसाब चढ़ा होता है कि आपने कितना शेयर खरीदा और कितना बेचा। इस तरह से डीमैट अकाउंट आपके शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड का हिसाब अपने पास रखता है और आप जब भी इसे बेचते हैं तो आपके हिसाब से ये उतना लेस हो जाता है, और बेचने पर जो पैसा मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास कोई शेयर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चीजें आपको समझना होगा। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आज के समय में अगर आप देख सकते हैं किसी भी बैंक में आप जाइए, खाता खुलवाइए, एक नॉर्मल अकाउंट खुलवाइए, तब भी कहते हैं कि भैया इतना पैसा सिक्योरिटी के रूप में या इतना पैसा पहले से आपके पास होना चाहिए, जबकि डीमैट अकाउंट के लिए कोई भी बैलेंस या मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को थोड़ा सा और हमें समझना होगा कि डीमैट अकाउंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुमला तिरुपति मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ सोने के चढ़ावे को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। मंदिर में रोजाना औसतन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु न केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि दिल खोलकर दान भी देते हैं। मंदिर की दान पेटियों में लाखों रुपए तो पड़ते ही हैं, जेवरात चढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है। खास बात यह है कि यहां श्रद्धालु जमकर सोना दान करते हैं, और शायद यही वजह है कि तिरुपति मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है। मन में सवाल उठता भी है कि लोग यहां नकदी और सोना क्यों दान करते हैं। प्राचीन मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्हें पैसे की कमी पड़ गई, इसलिए वो धन के देवता कुबेर के पास गए और उनसे 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ सोने की गिन्नियां मांगी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर आप पर भी वो कर्ज है और श्रद्धालु इस कर्ज का ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दिल खोलकर दान करते हैं। इसके पीछे यह भी विश्वास है कि जितना वो दान देंगे इसका कई गुना उनकी झोली में वापस आ जाएगा, इसलिए मंदिर परिसर में चारों ओर बड़े बड़े दान बक्से रखे गए हैं जिन्हें हुंडी कहा जाता है, जहां श्रद्धालु अपनी इच्छा के मुताबिक जो चाहे दान करते हैं। दान में सिक्कों के अलावा कीमती पत्थर, चांदी, सोना सब भी शामिल है। कुछ श्रद्धालु तो कंपनी को शेयर और प्रॉपर्टी के कागज तक दान में देते हैं। जब मंदिर को शेयरों के दस्तावेज दान पेटियों में मिले तो मंदिर ने एक डीमैट अकाउंट खोल दिया, इसीलिए हमने इसको इसमें शामिल किया कि जिससे आपको समझ में आए कि डीमैट अकाउंट हमारे लिए या आने वाले समय या जो भी लोग इसमें शेयर मार्केट में है या आगे और भी लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए ये डीमैट अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखा जाए तो मंदिर ने एक डीमैट अकाउंट खाता ही खोल दिया। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खोले गए
इस डीमैट खाते का यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी भविष्य में पैसा हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। ये डीमैट खाता भगवान बालाजी के नाम पर खोला गया है और श्रद्धालु भगवान को शेयर भी दान में दे सकते हैं। शायद दुनिया में यह पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान के नाम पर क्या होगा, वो होगा डीमैट अकाउंट। तो हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत ही रोचक पॉइंट है, इसे आप इसे एक तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमें और समझ में आएगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। चलिए समझते हैं कि डीमैट अकाउंट अब क्या होता है, क्योंकि अब आपको एक एक पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज। स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल ऐसे अकाउंट और लॉकर के रूप में किया जाता है जहां खरीदे गए शेयर्स को जमा किया जाता है। डीमैट अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ शेयर खरीदने के बाद उसे रखने के काम में लिया जाता है, और जब हम शेयर्स को बेचते हैं तो वो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट से निकलकर शेयर्स खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ऐसे समझिए कि आप अगर खरीदते हैं तब भी आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, अगर आप शेयर बेचते हैं तब भी आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट भी बैंक खाते की तरह काम करता है। यहां भी बैंक बैलेंस की केवल पासबुक में एंट्री कराई जा सकती है, आप इसे फिजिकल रूप में नहीं रख सकते। इसकी सुरक्षा भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है और बैंक खाते की तरह ही इसमें डेबिट और क्रेडिट होते रहते हैं। इसके बाद एक इसमें पॉइंट हमने बताया था कि जो डीमैट का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो डीमेटेरियलाइजेशन होता है। डीमेटेरियलाइजेशन यहाँ पे फिजिकल शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसका रख रखाव बहुत आसान है और इसे दुनिया भर में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे अगर मान सकते हैं कि शेयर मार्केट जब शुरू हुआ था तो ये डीमैट अकाउंट की प्रक्रिया नहीं थी, तो फिजिकली होता था, उसी को चेंज करके हमने क्या किया डिजिटली, तो उसी को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट के प्रकार की बात किया जाए तो डीमैट अकाउंट खोलते समय इन्वेस्टर को अपनी प्रोफाइल के अनुरूप डीमैट अकाउंट का प्रकार चुनना होगा। कोई भी भारतीय इन्वेस्टर या भारतीय निवासी ऑनलाइन अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का उपयोग करके कुछ ही मिनटों के भीतर डीमैट अकाउंट खोल सकता है। भारत में अगर देखा जाए तो आप चार प्रकार के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं जिन्हें आपकी वित्तीय आवासीय स्थिति और लेन देन की मात्रा के आधार पर आप चुन सकते हैं कि आप कौन से प्रकार को या कौन से प्रकार का डीमैट अकाउंट खोलेंगे। तो हम चार प्रकार बात करेंगे। सबसे पहला आपका आता है जिसे हम कहते हैं रेगुलर डीमैट अकाउंट, हिंदी में कहेंगे नियमित डीमैट खाता, लेकिन आप इंग्लिश को ही समझे क्योंकि जो शेयर मार्केट है अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश टर्म का यूज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला हमारा है रेगुलर डीमैट अकाउंट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह एक ऐसा खाता है जो किसी भी भारतीय निवासी द्वारा खोला जा सकता है जो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ETF आदि में सौदा करना चाहता है, तो वो होगा आपका रेगुलर डीमैट अकाउंट। सेकंड नंबर का आपका है जिसे हम कहेंगे बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, हिंदी में इसे कहा जाता है मूल सेवा डीमैट खाता। यह सेबी द्वारा शुरू किया गया एक नए प्रकार का डीमैट अकाउंट है। यदि होल्डिंग मूल्य 50,000 रुपये से कम है तो इन अकाउंट में रख रखाव में परिवर्तन नहीं होगा, और यदि 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपये के बीच में है तो 100 रुपये का परिवर्तन होता है, जो विशेष रूप से छोटे निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टॉक, बॉन्ड आदि में नियमित रूप से निवेश नहीं करते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए। रेगुलर डीमैट अकाउंट और बेसिक डीमैट अकाउंट में बस अंतर होता है चार्जेस का, क्योंकि रेगुलर डीमैट अकाउंट के चार्जेस अधिक होते हैं क्योंकि शुल्क के बदले में यह अकाउंट सुविधाजनक और कई सेवाएं भी देते हैं। वही अगर हम बात करें जो तीसरा आपका है, तीसरा जो आपका अकाउंट है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेबल डीमैट अकाउंट, हिंदी में कहेंगे प्रत्यावर्तनीय डीमैट खाता। यह डीमैट खाता उन अनिवासी भारतीय का मतलब होता है कि जो भारत में नहीं रहते हैं, अनिवासी भारतीयों के लिए है जो भारतीय शेयर बाजार से आय को अपने विदेशी खाते में स्थानांतरित करना चाहते हैं। विदेश में आसानी से फंड ट्रांसफर करने के लिए डीमैट खाते को NRE बैंक खाते से जोड़ दिया जाता है। चौथा जो प्रकार है वो आपका है नॉन रिपोर्टेबल डीमैट या गैर प्रत्यावर्तनीय डीमैट खाता। यह डीमैट खाता उन अनिवासी भारतीयों के लिए है जो भारतीय शेयर बाजार से प्राप्त आय को अपने विदेशी बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं करना चाहते, एक में करना चाहते हैं और दूसरे में नहीं करना चाहते हैं। पॉइंट है डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। डीमैट अकाउंट खोलने के दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है आपका ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। दोनों को हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आप किसी बैंक या ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा और लिखना होगा ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और राज्य भरें, खाता खोलने के दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज में आपको क्या क्या रखना है, पहला होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा होगा एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट,
पैन कार्ड के साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। अपने चेहरे के साथ कैमरे की ओर अपना पैन दिखाकर एक वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे आप एक नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे जो पैन कार्ड होता है उसका वेरिफिकेशन करना होता है, जो फिजिकल वाला होता है वो आपको दिखाना होगा। अपने आधार को मोबाइल नंबर से सत्यापित करके दस्तावेज पर ई सिग्नेचर आपको डिजिटली करना होगा। आपका अकाउंट जो होगा वो 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलते हैं। जैसे भारत में ऐसे कई बैंक हैं जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जैसे बैंक का नाम है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज़, इनमें आप इनमें से किसी में भी आप घर बैठे कह सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम चार्जेज में खोल सकते हैं। ऑनलाइन की तरह अगर आप ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी। इसको भी हम एक एक स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को हम DP शॉर्टकट में कहेंगे, जो NSDL द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या CDSL, दो टर्म आ रहा है, एक NSDL है और एक है आपका CDSL। NSDL का फुल फॉर्म होता है द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा होता है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। के ब्रोकर या सब ब्रोकर होते हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है अगर आप ऑफलाइन खुलवाएंगे। वहीं स्टेप टू है, खाता खोलने के फॉर्म के साथ आपको पहचान पत्र और एड्रेस के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। वहीं तीसरा स्टेप यह है कि आपको डिपॉजिटरी निर्धारित मानक प्रारूप में DP के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा जो निवेशक और DP के अधिकारों और कर्तव्यों की डिटेल्स देता है। आप एग्रीमेंट की एक प्रति और भविष्य के लिए प्रभार की अनुसूची प्राप्त करने के लिए हकदार हैं कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है या कोई भी समस्या आती है तो आप उनके माध्यम से वहां पे इस तरह से कह सकते हैं कि ये मेरा हक है। वही जो चौथा पॉइंट है या चौथा स्टेप है जो इंपॉर्टेंट भी है कि डीपी एक खाता खोलेगा और आपको डीमैट खाता संख्या देगा। जैसे आप नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, हर चीज होता है, IFSC कोड होता है, ऐसे ही आपका डीमैट खाता संख्या होगा। इसे बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम कहेंगे BOID भी कहा जाता है। सिक्योरिटीज में आपकी सभी खरीद निवेश इस खाते में जमा किए जाएंगे। यदि आप अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं तो आपका डीमैट खाता डेबिट हो जाएगा। बहुत सी बैंक और संस्थान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के रूप में कार्य करते हैं। देश में कई निजी वित्तीय संस्थान भी हैं जो DP के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनसे आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट को खोलते समय आप जिन कागजों पर सिग्नेचर करते हैं उन पर लिखे गए नियमों और निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डीमैट अकाउंट कैसे काम करता है, ये चीज आपको समझना होगा। तो डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया में तीन पक्ष शामिल होते हैं। एक होता है आपका अपना बैंक, दूसरा होता है डिपॉजिटरी भागीदार जिसे हम DP कहेंगे और तीसरा होगा डिपॉजिटरी। ये चीज आपको समझना होगा। पहला क्या है, आपका बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है, यानी कि कौन सा खाता, सेविंग खाते की बात हो रही है, उसके साथ साथ जो आपका डीमैट अकाउंट है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा डिपॉजिटरी भागीदार जिसे हम DP कहेंगे और तीसरा है आपका डिपॉजिटरी। थोड़ा सा अंतर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को टैग करना निर्बाध रूप से ट्रेडिंग करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने अकाउंट विवरण को लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। जो आपका नॉर्मल अकाउंट होता है उससे पैसा चला जाएगा और जब आप बेचते हैं शेयर को तो पैसा ऑटोमेटिक रूप से क्रेडिट हो जाता है। तो ये इस तरह से डेबिट और क्रेडिट की प्रक्रिया चलती रहती है। वहीं डिपॉजिटरी प्रतिभाग एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था भी हो सकती है। जैसे हमने बताया था कि SBI में आप खोल सकते हैं, HDFC में खोल सकते हैं अपना, इस तरह से चीजें हैं, या कोई बैंक हो सकता है या कोई स्टॉक ब्रोकर हो सकता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको DP से संपर्क करना होगा, चाहे आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलें या ऑफलाइन, ये चीज़ आपको समझना होगा क्योंकि यहाँ पे DP की जरूरत जरूर पड़ेगी। ये चीज़ें आपको अभी से समझ लेनी चाहिए। वही थर्ड पार्टी स्पष्ट रूप से डिपॉजिटरी होती है, वे आपकी ओर से डीमैट अकाउंट रखते हैं और सारी चीज़ों के बारे में, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें की जिम्मेदारी वो किसकी होती है, वो होती है आपकी डिपॉजिटरी की होती है। तो इसका मतलब आप कहाँ पे खड़े हैं, ए वाले पॉइंट में खड़े हैं, ये सारी प्रक्रिया आगे की होती है, इसीलिए आपसे चार्जेस लिया जाता है। अब हम उन चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा समय समय पे चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर हम चार्जेस
की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि डीमैट खोलने की कुछ फीस होती है, अलग अलग साइट से खोलेंगे, अलग अलग बैंक के माध्यम से खोलेंगे तो अलग अलग चार्जेज होता है, और साथ ही डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है जो आपके डीमैट अकाउंट की सेवा के बदले हर साल एक फीस के तौर पर देना होता है। जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक के पास या स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो वहां आप फीस के बारे में जरूर पता कर लें ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। ये चार्जेस कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे सबसे पहला होगा आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो वार्षिक रखरखाव या एक साल में एक बार ही लिया जाएगा। वही दूसरा जो हो सकता है वो आपका होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी फीस या संरक्षक शुल्क, यानी कहने का मतलब होता है कि आपका जो अकाउंट है या आपके जो शेयर हैं उसकी सुरक्षा के लिए ये मांगा जा सकता है। वही तीसरा जो हो सकता है आपका वो ट्रांजेक्शन फीस हो सकता है, इसका मतलब होगा कि जो आप लेन देन करेंगे उसमें जो चार्ज कटेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो तीन तरह से आपको ये देना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करें कि जो डीमैट अकाउंट होते हैं उसके फायदे क्या हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं खोलते हैं तो क्या आप शेयर में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सभी बातें इसी पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे सेबी ने निवेशकों के लिए डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य बना दिया, इसका मतलब यही हो गया कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। भारतीय स्टॉक ट्रेडिंग बाजार की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सक्षम बनाया और सेबी द्वारा बेहतर शासन लागू किया। इसके अलावा डीमैट अकाउंट ने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सिक्योरिटीज को संग्रहित करके भंडारण, चोरी और दुर्व्यवहार के जोखिमों को कम कर दिया। शुरुआत में अकाउंट खोलने की प्रक्रिया मैनुअल हुआ करती थी जिससे निवेशकों ने इसे एक्टिवेट करने के लिए कई दिन लगते थे। आज कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकता है और वो भी घर बैठे। आप अपने स्मार्टफोन या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके ऑन द गो ट्रेड कर सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट होने का। आपको कम ट्रांजैक्शन लागतों का लाभ भी मिलता है क्योंकि शेयर के ट्रांसफर के साथ कोई भी स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा ये भी देखा जा सकता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं पे देने की जरूरत नहीं। डीमैट अकाउंट की ये विशेषताएं और लाभ इन्वेस्टर द्वारा ट्रेड की अधिक मात्रा को प्रोत्साहित करती है जिससे आकर्षक रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। वही कुछ और फायदे हैं, जैसे बताया गया है कि शेयर्स का निर्वाध और तेज़ी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कितनी भी मात्रा एक बार में और बहुत ही तेज़ी से आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटीज़ को डिजिटल रूप में सुरक्षित भंडारण की सुविधा प्रदान होता है। वही सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट की चोरी, फोर्जरी, नुकसान और क्षति को दूर करना, ट्रेडिंग गतिविधियों की आसान ट्रैकिंग प्रदान करना, आप कहीं से भी आप इसको संभाल सकते हैं या इसकी देखरेख कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ऑल टाइम एक्सेस देना, लाभार्थियों को जोड़ने की अनुमति देना, बोनस स्टॉक, राइट इशू, स्लिप्ड शेयरों का स्वचालित रूप से ट्रेडिंग होता रहता है। तो एक तरह से देख सकते हैं डीमैट अकाउंट है उसके फायदे बहुत ही अधिक हैं। तो कुछ पॉइंटों को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बात किया था कि फास्ट इसमें ट्रांसफर होता है, तो ये कितना फास्ट होता है इसके बारे में बात किया जाए। डीमैट अकाउंट के जरिए शेयरों की खरीद बिक्री बहुत आसान हो गई है। आज आप सौदा करते हैं और शाम तक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो शेयर तुरंत आपके खाते में आ जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज की सेटलमेंट प्रक्रिया का इंतजार किया जाता है। शेयर बाजार बंद होने के बाद करीब आधे घंटे, ये ध्यान रखना होगा कि लगभग 30 मिनट का जो समय होता है उसी में आपका स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट की प्रक्रिया चलती है। इसके बाद आगे हमने बात किया था कि आपको अपने डीमैट अकाउंट के बदले में क्या देना होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसा या चार्ज के रूप में देना होगा। ये कितना होता है या किस रूप में होता है ये भी समझ लीजिए। शेयरों की फिजिकल ट्रेडिंग में काफ़ी खर्च आता था, शेयर कट फट जाते थे, डुप्लीकेट शेयरों की प्रिंटिंग, हैंडलिंग और भेजने में काफ़ी पैसा खर्च होता था। अब फिजिकल शेयरों के स्टोरेज और लेन देन से जुड़े सभी खर्च खत्म हो गए। हालांकि अभी भी डीमैट अकाउंट कायम रखने के लिए आपको एक फीस चुकानी पड़ती है, वो एनुअल भी होता है, जो हमने तीन तरह के बताए थे उसी तरह से आपको समय समय पर चार्ज चुकाने पड़ते हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है, अगर देखा जाए डीमैट अकाउंट आने से, वो हुआ आपका लाट की दिक्कत। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट हो, लेकिन आपको इसको भी समझना होगा कि लाट क्या होता था। दरअसल ट्रेडिंग की सहूलियत के लिए शेयर 100-100 के गट्ठर या लॉट में बेचे जाते थे। आज की हम बात नहीं कर रहे, आज से 30 साल 40 साल पहले की बात है, यानी कि 100, 200,
300 जैसे गुणांक में ही शेयर खरीदा या बेचा जाता था, पहले की बात हो रही है। लॉट में शेयरों की बिक्री के चलते लोगों को बड़ी रकम का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि कुछ मार्केट मेकर 100 से कम शेयर खरीदने की सुविधा देते थे, लेकिन इसके लिए वो अलग से फीस चार्ज करते थे। और आप भी समझ सकते हैं कि जैसे पहले चार्ज होता था, लेकिन चार्ज पहले अधिक होता था और उसमें समय भी अधिक लगता था, लेकिन अब आपका डीमैट अकाउंट आ गया तो इसमें चार्ज कम भी हो गया, समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे कम हो गया। डीमैट अकाउंट आने के बाद ये सभी दिक्कतें खत्म हो गई। अब आप एक शेयर की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इतना शेयर तो खरीदना होगा या आपके पास इतना पैसा होगा तभी आप कोई शेयर खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें यहाँ पे खत्म हो चुकी। ऐसा कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है हमारे लिए, जैसे अगर आप एड्रेस बदल देते हैं, आज मान लीजिए किसी एक शहर में रहते हैं, कल आप दूसरे शहर में चले गए, तो इससे क्या बदलाव आता है ये भी चीज़ आपको समझना होगा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के आंशिक मालिक भी बन जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 1% शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के 1% हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो यही होता है आपका आंशिक मालिक बनना। इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे। इसलिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को जरूरी सूचनाएं भेजती हैं। ये सूचनाएं भेजने के लिए उन्हें हर शेयर होल्डर का पता चाहिए, जो एड्रेस है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो नए शेयर होल्डर का पता कंपनियों तक भेज दिया जाता है। इसीलिए हमने बताया था कि अगर आप ओपन करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें या डीमैट अकाउंट, तो उसमें आपको पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने होंगे, सारी चीज़ें देंगे। उसमें एड्रेस तो रहेगा ही, तो एक तरह से देखा जाए वो एड्रेस आपका पहले से ही उसमें फीड हो जाता। जब आप शेयर खरीदते हैं तो नए शेयर होल्डर का पता कंपनियों तक भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपने अपना पता बदल दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कंपनियों को नए पते की जानकारी हो। पहले ये काम काफ़ी झंझट वाला था क्योंकि हर कंपनी को इसकी अलग अलग सूचना देनी होती थी, लेकिन आप डीमैट अकाउंट के चलते ये काफ़ी आसान हो गया है। बस आपको अपने डीमैट अकाउंट में पता बदलना होता है, इसके बाद आपकी कंपनियों तक नए एड्रेस की जानकारी खुद ब खुद भेजी जाती है कि ये जो व्यक्ति है, जो फला व्यक्ति है, पहले इस शहर में रहा करता था, आज वो दूसरे शहर में आ गया। अगर कंपनी कोई इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भेजना चाहती है तो आपको नए पते पे भेज सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें, हर तरह की जो सिक्योरिटीज होती है, वो जो अकाउंट होता है वो आपका डीमैट अकाउंट में होता है। जैसे डीमैट अकाउंट में शेयरों के अलावा आप बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, यूनिट, इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखा जा सकता है। दरअसल डीमैट अकाउंट आपके ज़्यादातर निवेश का हिसाब किताब रख सकता है। इस तरह से देखा जाए तो डीमैट जो होता है वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है कि एक ही खाते में आप हर प्रकार की चीज़ें रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको समय समय पे कंपनियों के माध्यम से बोनस मिलता है। ये बोनस आपको किस रूप में मिलेगा? कंपनियां कभी कभी अपने शेयरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हैं या फिर अपने निवेशकों को बोनस भी देती हैं। इस कॉरपोरेट एक्शन के चलते आपके डीमैट अकाउंट्स में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। डीमैट अकाउंट्स की वजह से ये पूरा काम स्वतः हो जाता है। कोई कंपनी बोनस शेयर देती है तो वो अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में जुड़ जाता है। इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमें बोनस मिला या नहीं मिला। तो इसलिए चीजें आपको समझना होगा कि डीमैट अकाउंट आने से क्या फायदा हुआ, या एक तरह से देखें तो शेयर मार्केट में क्या क्या बदलाव आया। शेयर मार्केट में एक टर्म आता है T+2। ये क्या होता है आपको ये समझना होगा कि T+2 का क्या असर होता है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस तरह से शुरुआत करने वाले हैं तो आपको एक छोटे से छोटे पॉइंट को समझना होगा जिससे आगे आने वाले समय में आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो टी है इसका क्या असर होगा? टी का असर ट्रेड। टी का असर क्या होता है? ट्रेड, यानी कि मतलब होता है जो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि लेन देन की तारीख से, अर्थात जिस तारीख को आप किसी शेयर को बाजार में बेचते हैं या खरीदते हैं उस तारीख को टी से संबोधित किया जाता है। तो टी का मतलब हो गया ट्रेड, और प्लस टू का क्या मतलब होगा इसको भी समझ लीजिए। टी प्लस टू का आशय उस तारीख से जिस तारीख को आपने टी वाले तारीख को लेन देन होता है या उसके सेटलमेंट से, यानी टी वाले दिनांक के दिन किए गए ट्रेड का सेटलमेंट टी दिनांक से तीसरे दिन होता है, बशर्ते कि कोई छुट्टी का दिन ना हो। अगर कोई छुट्टी का दिन बीच में पड़ा तो ये उसी अनुसार आगे बढ़ जाता है, या एक सामान्य प्रक्रिया। इसको हम पूरी तरह से नॉर्मल भाषा में समझाएं तो क्या होता है टी प्लस टू का मतलब, ये चीज़ आपको समझ लें। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए जो 7 दिन होता है एक वीक में, तो इसमें सैटरडे और प्लस संडे को जो शेयर मार्केट होता है वो बंद होता है, तो बचा आपके पास सिर्फ 5 दिन। इसका मतलब होता है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये चीज़ आपको समझना होगा। मान लीजिए आपने मंडे को कोई शेयर खरीदा, ठीक है,
मंडे को आपने खरीदा तो मंडे का दिन तो एक हो गया, इसके दो दिन बाद यानी कि मंडे तो इसी तरह से हो गया ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसका मतलब होगा कि आगे आने वाला जो आपका थर्सडे होगा उस दिन आपका जो सेटलमेंट होगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा। तो ये होता आपका टी प्लस टू, यानी कहने का मतलब जिस दिन आप ये लेन देन कर रहे हैं उससे दो दिन बाद। अगर आप इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म से व्यापार करते हैं तो आप अपने होल्डिंग्स को ऑनलाइन देख सकते हैं। विशेष रूप से ब्रोकर शेयर को टी प्लस टू पर क्रेडिट कर देता है जो कि ट्रेडिंग डे पर दो दिन बाद होता है। जब आप शेयर बेचते हैं आपको अपने ब्रोकर को डिलीवरी निर्देश देने होते हैं जिसमें आपको बिके हुए स्टॉक में विवरण भरना होता है। आपके खाते में शेयर डेबिट हो जाते हैं और आपके बिके हुए शेयरों के लिए पैसे का भुगतान करते हैं। अगर आप इंटरनेट से भुगतान करते हैं तो आपके खाते में शेयरों का डेबिट और क्रेडिट राशि अपने आप ही दिखने लगता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर तुलना किया जाए तो कुछ बातें और क्लियर होंगी। जैसे डीमैट अकाउंट आपके शेयर और एसेट को डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखने वाला अकाउंट होता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट को आपके बैंक और डीमैट अकाउंट के बीच का लिंक माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि डीमैट अकाउंट जहां बस एसेट स्टोर करने के लिए खुलवाया जाता है इसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, वहीं ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड ट्रांजेक्शन करने के काम आता है। तीसरा पॉइंट का अंतर यह है कि डीमैट अकाउंट पर इन्वेस्टर को सालाना चार्ज देना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आमतौर पर फ्री होता, लेकिन चार्ज कंपनी पर भी निर्भर होता है कि वो आपसे चार्ज लेगी या नहीं। इसलिए ये सब चीज़ें आपको समझना होगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कौन सी कंपनी या कौन सी वेबसाइट पर कितना चार्ज लगता है, ये सब चीज़ें आपको समझ लेनी होंगी। इसके बाद इस वीडियो का जो सबसे अंतिम पॉइंट है, जो अक्सर चाहे वो आप यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछते हैं या आप इस तरह से कह सकते हैं कि गूगल पर या कहीं पर भी क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, तो हम तीन प्रकार के प्रश्न लाए हैं जिसके माध्यम से आपके लगभग अधिकतर जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या आपके पास अगर दो डीमैट अकाउंट है या दो से अधिक डीमैट अकाउंट है तो आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा कोई रिलेटेड आपके पास सवाल है तो उसका जवाब ये है कि आपके पास चाहे दो डीमैट अकाउंट हो या दो से अधिक हो लेकिन एक ही डिपॉजिटरी पार्टनर या स्टॉक ब्रोकर के साथ नहीं होना चाहिए। यदि आप एक ही डीपी के साथ दो डीमैट अकाउंट रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अलग अलग खाताधारकों के साथ साथ करना होगा। इसके अलावा आपको अपने पैन कार्ड को अपने सभी डीमैट अकाउंट से जोड़ना होगा। उसके बाद आप चाहे एक डीमैट अकाउंट चलाइए, दो चलाइए, चाहे तीन चलाइए, जितना मन करे उतना चलाइए। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा भी इसी तरह का क्वेश्चन ये है कि डीमैट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बिना डीमैट अकाउंट रख सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका जवाब क्या होगा, आमतौर पर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही साथ खोले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए ये दोनों अकाउंट जरूरी होता है। जब एक निवेशक शेयरों में ट्रेड करता है तो ये शेयर स्टोर करने के लिए उसे डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर ट्रेडर बस ट्रेडिंग कर रहा है जैसे कि वो इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकता है, इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत कब है और कब नहीं है, ये चीजें समझनी होगी। और जो लास्ट हमारा प्रश्न है कि सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा होता है या किस साइट से खोले वो सबसे अच्छा होगा, तो ये अगर आपको समझना होगा कि यह देखने के बजाय कि आपको यह देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि आपका डीमैट अकाउंट किस प्रकार का है या कहां पे आपने खोला। सबसे जरूरी चीज है कि आपने जिसके ऊपर भरोसा करके या जो आपका ब्रोकर है कह सकते हैं वो कितना सही है, कितना विश्वास पात्र है। अगर वो सही है तो फिर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आपको अब डीमैट अकाउंट से रिलेटेड या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड या किस तरह से अकाउंट खोलें, क्या सावधानियां रखें, क्या चार्जेज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो थी आपके मन में था कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अगर आपने मन बना लिया है कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें दिक्कतें आ रही होंगी अब वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी एक नए वीडियो में एक नए वीडियो के माध्यम से नए इन्फॉर्मेशन को लेकर आएंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।